ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान में होने वाले 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के लिए बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पर बोला है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। पिछले 28 सालों से पाकिस्तान में कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पर अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। गिलक्रिस्ट ने बोला है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना और वहाँ पर हो रहे आए दिन बम धमाकों से हम काफी चिंतित हैं। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बनेगा कि हम अपने टीम को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने भेजे या नहीं भेजे। साथ में गिलक्रिस्ट ने बोला है कि पाकिस्तान में ट्रॉफी खेलने जाने से ज्यादा हम अपने खिलाड़ियों को सुरक्षा का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ साथ गिलक्रिस्ट ने बोला है कि हमारे खिलाड़ी किसी ट्रॉफी से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम 2025 के चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं भी रहेंगे तो। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आईसीसी के लिए चिंताजनक विषय होगा, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराने पर काफी ज्यादा असमंजस जताया था। अब देखना ये बनता है कि पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी पर आईसीसी क्या फैसला लेता है। ऐसे दोस्तों, आपके हिसाब से आईसीसी को चैंपियन ट्रॉफी कहाँ कराना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर क्रिकेट अपडेट।